कैसे हैं आप? हैप्पी मंडे। कल संडे था और फाइनली मेरी कार की हुई है सर्विसिंग। फाइनली इट वाज ड्यू फ्रॉम सो मेनी डेज, लेकिन इशू ये था कि टाइम ही नहीं मिल रहा था और ये मेरी नेचर के अगेंस्ट था कि मेरी गाड़ी की सर्विस ही नहीं हो रही और मेरी गाड़ी बहुत गंदी हो गई थी। फाइनली थैंक गॉड सर्विसिंग हो गई है और गाड़ी बहुत क्लीन हो गई है। घर में तो हम करते ही रहते थे, थैंक गॉड पीछे से भी क्लीन हो गई है, शुक्र। क्या ख्याल है आपको, एक रिव्यू दिया जाए ऑटोमेटिक गाड़ी कैसे ड्राइव की जाती है? वैसे सबको आती है आजकल, ये सब कुछ बहुत आसान हो गया। एक वीडियो मैंने देखी थी, आका मोरू कोई यूट्यूबर हैं, काफ़ी फेमस ही हैं पाकिस्तान के ना। उनकी वीडियो की कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। उसका जो था कैप्शन द पावर ऑफ लव भी बहुत अच्छा था। उसमें उन्होंने कुछ बताया हुआ था कि अपने वो उसमें होता है कि जी बर्तन धोने से और काम करने से डिप्रेशन रिलीज़ होता है, और ये वाकई फैक्ट है कि मैंने ये उनकी वीडियो की ये चीज़ें ली हैं यहाँ पे। वाकई अगर आप कभी डिप्रेशन में हैं तो आप ऐसा करें कि बर्तन धोना स्टार्ट कर दें, आपके फिंगर हाथ मूव करेंगे, आप ऑटोमेटिकली उस डिप्रेशन से निकल आएंगे। आप क्लीनिंग स्टार्ट कर दें, कोई भी आपका फेवरेट चीज़ क्लीन करनी है, अपनी वार्डरोब सेट करना शुरू कर दें, कहीं और कोई चीज़ है जो आपको अच्छा रिफ्रेशिंग लगे शुरू कर दें। तो उन्होंने तो सिर्फ बोला था, मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ यहाँ पे, और मुझे अच्छा लगा उनकी उस वीडियो का आइडिया। आका मोरू हैं और मैं बहुत कम किसी की, मतलब इस तरह वीडियो रैंडम देखती रहती हूँ, लेकिन कम ही किसी की मुझे इतनी अपील करती हैं। लेकिन उनकी वीडियो, यही एक वीडियो जिसका था पावर ऑफ लव, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी उनकी वीडियो में कुछ लव से रिलेटेड भी उन्होंने अपने क्लिप्स डाले हुए थे, डिप्रेशन से रिलेटेड, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जी वाकई हम फ्रेंड से मिलें, क्लीनिंग करें, और ये वाकई ही मैंने सोचा था कि मैं कभी अपनी वीडियो में डालूंगी कि काम करने और बर्तन वगैरह धोने से और क्लीनिंग करने से आपका डिप्रेशन। यहाँ हम सारी पावर ऑफ लव से बात करें, मैं निकली तो ये मुझे ना छोटा सा बकरी का बच्चा नज़र आया, तो मैंने इसकी वीडियो अपने बच्चों के लिए बना दी। मुझे इसी तरह ज़िंदगी के इन रोशन लम्हों में आते जाते जो लम्हे हैं जिसमें हम फिरते रहते हैं, यहाँ से वहाँ घूमते हैं, बहुत सी चीज़ों को भूल मत जाएं। जैसे अब्दुल सत्तार ईदी हमेशा देने वाले साइड पर रहे, उन्होंने उस वीडियो में उनका भी जिक्र किया है। ये रोशनियाँ और ये पल हम जो गुजार रहे होते हैं बहुत कुछ भुला देते हैं, मगर कुछ भी ना भूलें। फूलों की पत्तियाँ जैसे हमें हमारे हाथों में खुशबू देकर जाती हैं, हमसे ले के नहीं जाती। काश हम सब इसी तरह वही बन जाएं।